रिहायशी इलाके में दौड़ते टैंकर, जगह जगह होती एयर स्ट्राइक और जमीनी स्तर पर सेना का सर्च ऑपरेशन। ये तस्वीरें लेबनान की हैं, जहां इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है और हिजबुल्ला के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह करना शुरू कर दिया है। डीएफ ने दी है, आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए सीमा पर लगे गांवों में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2006 के बाद ये पहली बार है जब इजरायली सेना लेबनान में घुसी है। तब इसराइल और हिजबुल्ला के बीच 33 दिनों तक जंग चली थी। तब उसमें 1100 से ज्यादा लेबनानी मारे गए थे, जबकि इसराइल के 165 लोगों की मौत हो गई थी। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजरायली सेना ने कहा है कि हिजबुल्ला को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे सैनिक तैयार हैं। उन्होंने बॉर्डर के नजदीकी गांवों और इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये वो इलाके हैं जहां से हिजबुल्ला इसराइल पर हमले करता है। आईडीएफ ने बताया कि ये हमले खुफिया जानकारी के आधार पर किए जा रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स इसमें उनकी मदद कर रही है। खास बात ये है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसराइल को अमेरिका का भी साथ मिल गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अगर ईरान इसराइल पर हमले करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, उन्होंने इसराइल के रक्षा मंत्री से लेबनान में चल रहे ऑपरेशन पर बात की है। उन्होंने कहा कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का हक है, इसलिए अमेरिका इस लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन का समर्थन करता है। इसराइली सीमा से लगे बुनियादी ढांचे को खत्म करना जरूरी है ताकि हिजबुल्ला हमास की तरह 7 अक्टूबर के जैसा हमला न कर सके। हालांकि सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को घर लौटने के लिए कूटनीतिक समाधान की जरूरत है। उधर लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों की चपेट में आकर 95 लोगों की मौत हो गई, जबकि 170 से ज्यादा घायल हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि पिछले 2 हफ्तों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने लेबनान छोड़ दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, इजरायली हमले को लेकर आप जितना जानते हैं मैं उससे कहीं ज्यादा परेशान हूँ। मैं युद्ध रोकना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि अब युद्ध विराम होना ही चाहिए। बाइडेन का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लेबनानी सीमा के नजदीक सैनिकों से 30 सितंबर को मुलाकात की थी। उन्होंने आईडीएफ से कहा था, जो कुछ भी किए जाने की जरूरत है हम करेंगे। दुश्मनों को हराने के लिए हम हवा, जल और जमीन के रास्ते अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और उसे जड़ से खत्म करने के बाद ही सांस लेंगे। इसी बीच खबर है कि इजरायली सेना के लेबनान में घुसते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में अहम सुरक्षा बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि ये मीटिंग इजरायल के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी के लिए हो रही है। हालांकि इस मामले पर रूस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ईरान और लेबनान की मदद कर सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।